कॉमेडियन कपिल शर्मा के दिन सुधरने के नाम नहीं ले रहे। हाल ही में शुक्रवार की शाम कपिल शर्मा के ट्विटर अकाउंट से अचानक भद्दी और गंदी गालियों से भरे ट्वीट सबको चौंका बैठे। जी हाँ, एक के बाद एक कपिल शर्मा ने चार ट्वीट किए जिसमें उन्होंने सलमान का सपोर्ट किया, मीडिया को गालियां दी, सिस्टम पर सवाल उठाए और इन सभी के बीच उन्होंने भद्दी गालियों का इस्तेमाल किया। हालांकि कपिल ने उसके बाद एक ट्वीट डालकर बताया कि उनका अकाउंट हैक हो गया था, लेकिन उन्होंने वो ट्वीट भी डिलीट कर लिया। पर इन सभी ट्वीट्स के बीच उन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया जिसमें कपिल का घमंड सामने दिखता है, जिसमें कपिल की घमंड वाणी नजर आती है। चार गालियों वाले ट्वीट के बाद उन्हें डिलीट किया और एक ट्वीट किया, उसमें वो लिखते हैं, मैंने जो भी पैसा कमाया अपनी कड़ी मेहनत से कमाया है, मैंने इंडिया को टैक्स दिया है, मैंने टैक्स पे किया है, भले मैं पैसा यूएसए या पाकिस्तान से कमाऊं पर मैं इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा हूं। उसके बाद उन्होंने एक गाली लिखी है जिसे ना हम बोल सकते हैं ना इस फोटो में दिखा सकते हैं। उसके बाद वो लिखते हैं, तुम मेरे कठिन परिश्रम को भूल कैसे सकते हो। देखा जाए तो अगर कपिल ने ट्वीट किए हैं तो उनकी ताजा हालात से ये लगता भी है कि कपिल ऐसा ट्वीट कर सकते हैं, क्योंकि कपिल काफी परेशान भी चल रहे हैं। काफी टाइम से वो मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, इसी के चलते उन्होंने कई शूट कैंसिल किए, उनके नए शो में वो जोश भी नहीं दिख रहा। पर इस ट्वीट में कपिल का घमंडनामा, कपिल की घमंड वाणी साफ दिखती है, जिसमें वो कहते हैं कि मैंने इंडिया को टैक्स पे किया है, भले पाकिस्तान से कमाऊं या यूएसए से कमाऊं, कैसे भी कमाऊं, इंडिया की इकोनॉमी को मैं बूस्ट कर रहा हूं। हालांकि ये स्थिति क्लियर होगी या नहीं कि ये ट्वीट कपिल ने खुद किए या फिर उनका अकाउंट हैक हुआ है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि उनका अकाउंट हैक किया गया है, पर उन्होंने वो ट्वीट भी डिलीट कर लिया। एक के बाद एक ट्वीट किए, डिलीट किए, ट्वीट किए, डिलीट किए और उस पर कई तरह के संशय की स्थिति बन रही है। लेकिन ये ट्वीट जिसमें दिखती है कपिल की घमंड वाणी, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।